फ्रेंड्स, फिर से आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं आपके सामने एक रखा हुआ है साउंड कार्ड मिक्सर, यानी आप इसमें जैसे कि आपका जो जैसे आप सॉन्ग्स प्ले करते हैं या फिर आप कोई कमेंट्री में है या फिर आप किसी जैसे बोलते हैं ना भाई लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उस चीज के लिए बहुत अच्छा है, साउंड अच्छा देगा, इको फ्रेंडली है। यानी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर है ना एक ब्लूटूथ भी है, और आप देख सकते हैं साइड बाय साइड में पोर्ट्स भी दिए हुए हैं। ये आपका चार्जिंग पोर्ट के लिए लेवल 1 लेवल 2, यानी आप इसमें दो सेक्शंस के आप पीसी इनपुट और आउटपुट लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपके एयरफोन्स के भी दो सेक्शंस आप लगा सकते हैं, माइक के एक सेक्शन आप लगा सकते हैं। टोटली देखा जाए तो माइक के और एयरफोन के मिला के 3 सेक्शन आप लगा सकते हैं, और जो बड़े जैक के लिए भी आप इसमें लगा सकते हैं, डोमेस्टिक जैक जो होता है वो आप लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और देखा जाए तो इसके अंदर ओवरऑल जो आप इसके अंदर हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, जैसे आप कमेंट्री कर रहे हैं भाई, वहाँ पर आपको वॉइस के लिए आपको वॉइस चेंज करना है वो कर सकते हो, आप क्रिकेट का जो साउंड निकालना है वो निकाल सकते हो, पैच साउंड निकाल सकते हो, किसिंग साउंड निकाल सकते हो, यानी अलग अलग जो आप साउंड्स देख रहे हैं यहाँ पर वो सारे साउंड्स आप निकाल सकते हो, इवन पबजी साउंड भी निकाल सकते हो, समझ रहे हो। और यहाँ पर आप जो है आपके जो ट्वीट और आपके जो बेस सेक्शन है उसको भी आप मैनेज कर सकते हो, और यहाँ पर आपके रिकॉर्डिंग सेक्शन को भी आप मैनेज कर सकते हो, और जो बैक सेक्शन यानी जो बैक ट्रैक है जो आप इसमें ट्रैकिंग डाल रहे हैं या जो भी ट्रैक आप प्ले कर रहे हो तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप जो आपका जो मॉनिटरिंग सेक्शन है वो भी मैनेज कर सकते हो, फुल्ली मॉनिटर कर सकते हो। ये आपका जो है वो माइक सेक्शन के लिए है, यानी जो आपका माइक है उसके वॉल्यूम को आप कितने लेवल तक मैक्स रखना चाहते हो, मिनिमम रखना सकते हैं या फिर फाड़ देना चाहते हो, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और ये जो आपका जो है इको साउंड के लिए है कि आप कितना इको साउंड आप बनाना चाहते हैं आपकी वॉइस को, समझ रहे हो। सो कुछ ओवरऑल इस तरीके से है। इसके अंदर इनबिल्ट ब्लूटूथ भी है, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक इनबिल्ट ब्लूटूथ भी है, और ओवरऑल देखा जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये डिवाइस। मैंने इसलिए लिया कि ताकि मैं अपने जो मेरा जो ये माइक है उसके अंदर मैं इसको फिट करूं और चेक करूं भाई कैसा है, कैसा चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कुछ मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसका, पर चुल था ले लिया, ठीक है यार ले लिया, चलो अच्छी बात है। आप लोग को व्यू करके भी तो बता दे रहा हूँ कि भाई कैसा है। अगर आपको लेना है तो ये आप ये ले सकते हैं, बट मुझे, मैं आपको फ्रेंडली बोलूँ तो ये मैंने जो लिया था उस समय, यानी काफ़ी टाइम हो गया मुझे लिए हुए, बट मुझे ये आपको दिखाने में और इसके वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम गया। सो कैसा है कि मैंने इसे लेकर रख दिया था, और ये मैंने अली एक्सप्रेस से लिया था। अली एक्सप्रेस पे मुझे ऑलमोस्ट 1500-1600 के आसपास मिला था जब मैंने लिया था, बट अभी अगर ये आप सर्च करेंगे द साउंड कार्ड V8 तो आपको अमेजोन पे जाएगा और ये काफ़ी कॉस्टली दिखाएगा आपको, 2500 या फिर 3000 या 5000 भी दिखा सकता है डिपेंड, या फिर ये कार्ड अभी है कि नहीं है वो भी मुझे आइडिया नहीं है, बट ये मैंने अली एक्सप्रेस से खरीदा था। बट यार अली एक्सप्रेस बहुत याद आता है यार, क्या करो क्या कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ जो यहाँ पर महंगी मिलती थी वहाँ सस्ती मिल जाती थी यार, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो पूरी यहाँ पर मेटल है, और जो वॉइस सेक्शन और ये जो रोलिंग है इसका काफ़ी हद तक स्मूथ है, कुछ भी आपको कहीं पर भी अटकना नहीं फील करना पड़ेगा, और ये जो बटन सेक्शन है वो भी काफ़ी हद तक स्मूथ है। इसको ऑन करने के लिए इसे पावर बटन को दबा के रखना है, और यहाँ पर लाइट ब्लिंक होने लगेगी, आपको दिख रही होगी लाइट ब्लिंक हो रही है यार। सो जो लाइट ब्लिंक हो रही है यानी आपका ब्लूटूथ सेक्शन स्टार्ट हो गया है, और आप इसको डायरेक्टली ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके आप अपना वॉइस ओवर बना सकते हैं, यानी वॉइस ओवर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ से आप जो साउंड के लिए जो आप यानी जो लेवल और ये जो साउंड के लिए जो पुट है आउटपुट वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसके साथ सारे केबल्स भी मिलते हैं, तो आपको केबल्स कोई अलग से बाय करने नहीं पड़ेंगे, वो सारे केबल्स आप यूज़ कर सकते हो। तो इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, बंद हो गया। सो फ्रेंड्स, ये जो है ये सबके लिए अच्छा है, यानी जो कमेंट्री करना चाह रहा है उसके लिए भी अच्छा है, जो सिंगिंग करना चाह रहा है उसके लिए भी अच्छा है, जो यूट्यूब पे व्यूज यानी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, हम जैसे लोग जो ये टेक भी और ये सब दोनों चलाते हैं उनके लिए भी अच्छा है भाई। अभी क्या बोल सकते हैं आप लोग, तो यार आजकल व्यू भी नहीं देते हो मुझे, व्यू भी दे दिया करो यार, देख लिया करो चैनल, थोड़ा सा देख लिया करो यार।
तो फ्रेंड्स ओवरऑल सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है इसका, और मैं आगे इस मेरे वीडियोज़ में इसे लगा कर मैं यूज़ भी करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, और आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो भाई आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, आइडेंटी करना पड़ेगा वो प्राइस रेंज में आपको कहाँ पर मिलेगा। बट मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वेबसाइट पर, ट्रस्टेड वेबसाइट से ही कोई भी चीज़ को आप परचेस करें। क्यों? क्योंकि आपको आपका पैसा अगर एक रुपया भी अगर वेस्ट होता है, यानी कि बहुत कुछ वेस्ट हुआ है, तो यानी आप अपने पैसे को वेस्ट ना करें और एक ट्रस्टेड वेबसाइट से इसे परचेस करें। और मेरे हिसाब से अभी थोड़ा ये महंगा ही होगा, क्योंकि अभी ये अली एक्सप्रेस तो बंद ही हो गया है, बाकी अमेजोन ये सब पे आपको मिल जाएगा। और आप इसे लेकर आपको रिटर्न पीरियड भी होगा, उस समय अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। बट एक बार मेरा कहना ये है, आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप एक व्लॉगर है, वीडियोज़ बनाना चाह रहे हैं और आपके वीडियोज़ में ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो ना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को भी शेयर करो। प्लीज़। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियोज़, दिल से धन्यवाद।